प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय सेना को वो घातक हथियार मिलेगा जो दुनिया के किसी सेना के पास नहीं है। वो ना परमाणु बम होगा, ना मिसाइल होगी, ना ही बंदूक और ना ही मशीन गन होगी। मोदी ने कह दिया कि जब तक दुश्मन सोचेगा, हमारे जवान उसे मिट्टी में मिला देंगे। अब आइए जानते हैं देश की सेना के पास वो कौन सा हथियार होगा जो दुश्मन को मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। तो इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी है। नेवी से लेकर एयरफोर्स में दुनिया इसकी ताकत का लोहा मानती है। अब ये ताकत और अभेद होने वाली है। चीन, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश जिस हथियार के बारे में सोच नहीं सकते, वो भारत बनाएगा। इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर बताएंगे आपको भारत अपनी सेना को वो कौन सी ताकत देने वाला है जो किसी के पास नहीं होगी। हमारे पास टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है जी। और ये भी बुद्धिमानी नहीं है कि दुनिया में 10 लोगों के पास जिस प्रकार के औजार हैं, वही औजार लेकर के मैं मेरे जवान को मैदान में उतार दूं। हो सकता है कि उसकी टैलेंट अच्छी होगी, ट्रेनिंग अच्छी होगी, तो उस औजार का शायद ज्यादा अच्छा उपयोग करके निकल जाएगा। लेकिन मैं कब तक रिस्क लेता रहूंगा? जो औजार, जो हथियार उसके हाथ में है, वैसा ही हथियार लेके मेरा नौजवान क्यों जाएगा? उसके पास वो होगा जो उसने सोचा तक नहीं होगा। दिल्ली के आयोजित NIOO सेमिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह भी बुद्धिमानी नहीं है कि दुनिया में 10 लोगों के पास जिस प्रकार के औजार हैं, वही लेकर मैं अपने जवानों को मैदान में उतार दूं। हो सकता है कि उसका टैलेंट अच्छा होगा, ट्रेनिंग अच्छी होगी, तो उस औजार का अच्छा उपयोग करके निकल जाएगा। लेकिन मैं कब तक रिस्क लेता रहूंगा? जो औजार, जो हथियार उनके हाथ में है, वैसे ही हथियार लेकर मेरा नौजवान क्यों जाएगा? उनके पास वो होगा जो उसने सोचा तक नहीं होगा। वो समझे उसके पहले तो उसका खात्मा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान का मतलब साफ है कि भारतीय सेना को कुछ नया मिलने वाला है। अब ये नया क्या हो सकता है, अब हम आपको बताते हैं। दरअसल भारत के पास दुनिया की वो मिसाइल होगी जिसे अगर टारगेट पर सेट कर दिया जाए तो दुश्मन का विमान चाहे रास्ता बदल ले, वो उसे मारे बिना पीछे नहीं लौटेगा। ये ठीक रामायण काल के ब्रह्मास्त्र की तरह होगा जो दुश्मन को खत्म करके ही बाद में वापिस लौटता है। इस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। आप सोचेंगे ये तो पहले से है, तो फिर मोदी जी क्या नया करेंगे? तो ये भी समझ लीजिए, आप युद्ध बाहरी हथियारों से लड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आंतरिक शक्ति से लैस होना होगा। 2018 में BSF ने अपने 100 जवानों को योग करने भेजा था, जहां से पता चला कि योग करने वाले जवान ना करने वाले जवानों से ज्यादा मजबूत बन गए। भगवान राम से लेकर भगवान श्री कृष्ण तक और यहां तक कि कई असुरों ने भी तप और योग के बल पर अपने शरीर को मजबूत किया। एक सिपाही से देश यही उम्मीद करता है कि अगर उसका हथियार छीन ले तो वो हारे ना। लेकिन बॉर्डर पर तैनात जवानों को अब इसलिए इजरायली मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। पहले से भी ऐसे ट्रेंड जवान होते थे जिनकी संख्या कम थी। मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत अब सेना की सारी जरूरतें अब देश में पूरी करेगी। 2020 से 2023 में भारतीय सेना को सामान के लिए 26,000 करोड़ रुपए का सरकार बजट देगी। इसमें से करीब 19,000 करोड़ का सामान भारतीय कंपनियां बनाएंगी। भारतीय स्वदेशी रडार सिस्टम बनाने वाला है, हेलीकॉप्टर, युद्धपोत सब यही बनेगा। इससे फायदा ये होगा कि किस हथियार में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है वो कोई पता नहीं कर पाएगा, और ना ही कोई दूसरा उसकी तरह हथियार बना पाएगा। सेना के जवानों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा ताकि वो जंग के मैदान में उतरे तो दुश्मन से लड़ने के लिए हथियार और शारीरिक क्षमता हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।